नशे की गर्त में जा रही युवा पीढ़ी में अब लड़कियां भी शामिल हो गई हैं। ऐसा ही एक मामला थियोग के बेखलटी में साथ लगते भलकू में पेश आया है। यहां सड़क किनारे जमा दो की छात्रा की डेड बॉडी बरामद हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि नशे की ओवरडोज से छात्रा की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार संगीता उम्र 20 साल पुत्री बिहारी लाल गांव मिनी चिड़गांव की रहने वाली थी और उसने जमा दो की परीक्षा दी हुई थी। उधर संगीता के पिता ने गांव की पुलिस चौकी में गांव के ही एक युवक पर अपनी बेटी के अपहरण की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पिता की शिकायत के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं जांच में ये भी पाया गया है कि छात्रा ने नशे की ओवरडोज ले ली थी जिसके चलते उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले आरोपी पृथ्वीराज संगीता और एक अन्य लड़की के साथ अपनी कार में सवार होकर रोडू से शिमला की तरफ गया था। मंगलवार रात वे शिमला से वापस लौट रहे थे। कहा जा रहा है कि ज्यादा नशा होने के कारण संगीता की हालत खराब हो गई और आरोपी पृथ्वीराज ने उसे बेखली के पास भलकू में कार से बाहर फेंक दिया जिसके चलते उसकी मौत हो गई। उधर चिड़गांव थाना प्रभारी ने कहा कि पिता की शिकायत के बाद मामले की जांच की जा रही है। उधर एसपी ने छात्रा की डेड बॉडी बरामद होने की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। कल शाम को चिड़गांव पुलिस थाने में एक शिकायत आई थी कि एक व्यक्ति ने रिपोर्ट किया था कि उसकी बेटी मिसिंग है। एक आदमी पे शक भी किया था कि उसके साथ वो गई थी और उस शक के आधार पे हमने उस आदमी को डिटेन किया था। उसकी निशानदेही पे हमने उस लड़की की डेड बॉडी ठियोग के एरिया में बखेलटी के पास रिकवर की है। बॉडी पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेजी गई है। एफएसएल की टीम ने मौके पर विजिट किया है और अभी रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। अभी क्योंकि अरेस्ट अभी हुई है थोड़ी देर पहले ही, पिछले कल रात के बाद ही अरेस्ट हुई है और अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ नहीं आया है जिसके कारण हम किसी नतीजे पे पहुंच पाए। पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार हम आगे की कार्रवाई करेंगे। नहीं, अभी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जांच कर रहे हैं। एफएसएल की रिपोर्ट और डॉक्टर्स के द्वारा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आ जाएगी उसके बाद ही आगे का इन्वेस्टिगेशन क्या होगा उसके बारे में पता लगेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई चीजें क्लियर होंगी, उसके बाद ही हम आगे की कार्रवाई तय करेंगे। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट।